26 जनवरी को दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात किसान संगठन कर रहे हैं, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है और गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में क्या हुआ, कायदा कानून का ये वीडियो उसी पर। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, वो ये बातें कह रहे हैं कि 2000 ट्रैक्टर लेकर वो 26 जनवरी के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में घुस आएंगे और जो मुख्य परेड होती है गणतंत्र दिवस की, उसके समानांतर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दिल्ली पुलिस का ये कहना था कि आंदोलन करना ठीक है, अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी है, लेकिन आंदोलन के नाम पर राष्ट्रीय अस्मिता को या राष्ट्र के गौरव को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी उठानी पड़े ऐसी अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर रैली पर रोक लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते किसान संगठनों को नोटिस भी जारी किया था इस मसले पर। आज जब ये मामला लगा तो कोर्ट ने सबसे पहले तो इस पर विस्तार से सुनवाई से ये कहते हुए मना कर दिया कि आज जो बेंच बैठी थी, यानी कि चीफ जस्टिस पहले जिन जजों के साथ बैठ रहे थे, जिन दो जजों के साथ एएस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम, उसकी बजाय उन जजों की उपलब्धता ना होने के चलते आज जस्टिस नागेश्वर राव और विनीत सरन के साथ बैठे थे, इसलिए उनका कहना था कि सुनवाई तो पुरानी बेंच में ही होगी। ये कहते हुए सुनवाई को दो दिन के लिए टाला गया, लेकिन किसान संगठनों की तरफ से पेश एक वकील एपी सिंह ने, जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लिए पेश हुए थे, उन्होंने फिर भी सुनवाई रोके जाने के बावजूद भी ये दलील देनी शुरू कर दी कि रामलीला मैदान में किसानों को आने देना चाहिए ताकि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकें। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने भी कहना शुरू कर दिया कि ट्रैक्टर रैली पर रोक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 26 जनवरी का कार्यक्रम जो है गणतंत्र दिवस का, उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व तो है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमने ये कह दिया है कि सुनवाई परसों होगी मामले की, आज नहीं होगी, लेकिन फिर भी अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें क्या आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि पुलिस एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस के पास क्या शक्तियां हैं। अटॉर्नी जनरल के अलावा एपी सिंह को भी कोर्ट ने कहा कि देखिए, दिल्ली में कौन आ सकता है, कहां बैठ सकता है, कहां धरना दे सकता है, कहां पर मार्च या रैली निकाल सकता है, ये सब कुछ तय करना सबसे पहले दिल्ली पुलिस का काम है। ये नहीं कहा जा सकता कोर्ट से कि किसी प्रदर्शन की अनुमति वो दे दे या किसी प्रदर्शन या रैली के लिए वो मना कर दे। पहले दिल्ली पुलिस को फैसला लेना होगा, उसके बाद ही कोर्ट की भूमिका शुरू होती है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पाले में, असल में केंद्र सरकार के तहत ही दिल्ली पुलिस आती है, इसलिए मैंने केंद्र सरकार कहा कि केंद्र सरकार के पाले में सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है गेंद को और कहा है कि पहले फैसला पुलिस को लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात एक और भी है। असली प्रक्रिया जो कि हो सकती है ऐसे मामलों में, वो ये होनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस को एक अर्जी मिले। किसान संगठनों ने भी कोई अर्जी तो दी नहीं है कि उन्हें कहाँ आंदोलन करना है या कहाँ बैठना है, तो उन्हें अर्जी देनी चाहिए, दिल्ली पुलिस को उस पर फैसला लेना चाहिए। अगर उस फैसले से किसान असंतुष्ट होते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। किसान संगठनों ने कोई अर्जी दी नहीं है, दिल्ली पुलिस ने कोई फैसला लिया नहीं है और सीधे सुप्रीम कोर्ट से यह कहा जा रहा है कि आप रोक लगा दीजिए रैली पर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पाले में गेंद को भेजा है। बहरहाल, आज और दो मुद्दे भी सुने जाने थे, उनमें से एक है कि क्या संदिग्ध संगठन सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी अलगाववाद को हवा देने वाले संगठन भी इस आंदोलन से जुड़े हैं, फंड दे रहे हैं, शह दे रहे हैं आंदोलन को। PFI जैसा संदिग्ध संगठन जिसकी कई घटनाओं में, जिसका नाम खुफिया एजेंसियां ले चुकी हैं कि वो शामिल रहा है देश विरोधी घटनाओं में, क्या वो संगठन भी जुड़ा है इस आंदोलन से? ये पहलू कोर्ट के सामने पिछले हफ्ते रखा गया था और कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा था कि वो खुफिया रिपोर्ट लेकर जवाब दें। आज इस पहलू पर भी चर्चा होनी थी पर सुनवाई टल गई। इसके अलावा पिछले हफ्ते कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी 4 सदस्यों की, जो कि किसानों के साथ बातचीत करती और उनकी समस्या को सुनकर निदान करने की कोशिश करती। उस कमेटी के सदस्य भूपिंदर सिंह मान
ने खुद को हटा लिया है कमेटी से, तो उनकी जगह किसी और को रखने पर भी चर्चा होनी थी, लेकिन ये सारी सुनवाई टल गई है। अब बुधवार को सुनवाई होगी मामले की। फिलहाल कोर्ट ने यही कहा है कि वो ट्रैक्टर रैली पर सीधे अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं लेना चाहता है। फिलहाल सरकार फैसला ले, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।